स्टूडेंट मैसर बिंदु बालकोश डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। लिपिड प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में पाए जाने वाले पदार्थ के क्या है, हेटरोजीनस ग्रुप होते हैं। ठीक है, लिपिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्लू नामक वैज्ञानिक ने 1943 में फैट्स या फैट के समान उन पदार्थों के लिए किया था जो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, लेकिन ईथर, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल और कार्बन डाइसल्फाइड में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के समान ये भी कैसे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन एटम की संख्या जो है वो कैसे होती है, कम होती है। ठीक है, लिपिड ऑर्गेनिक मटेरियल का एक महत्वपूर्ण समूह होता है जो कि जल में अविलीय, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जो घर में इथाइल एवं मिथाइल एल्कोहल होते हैं उनमें पूर्ण रूप से क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सोर्स और अकरेंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। लिपिड्स प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी में क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांट्स में लिपिड्स उनके सीड्स तथा फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल्स में ये एडिपोज टिश्यू, बोन मैरो एवं नर्वस टिश्यू में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। रासायनिक संरचना के दृष्टिकोण से देखें तो लिपिड्स या फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल के एस्टर्स या ग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, अर्थात लिपिड्स का एक मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल्स एवं ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल्स के संयोग से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, लिपिड के का निर्माण के समय प्रत्येक फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लिसरॉल के एल्कोहलिक ग्रुप के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लिपिड के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार। फिर देखते हैं फैसिएटिस का सामान्य सूत्र क्या है, आर सी ओ एच या सी एच थ्री सी एच टू एन सी ओ एस होता है। ठीक है, यहाँ पर आर जो है वो सी एच थ्री सी एच टू एन होता है। आर सी ओ एच फॉर्मूला देखते हैं। आर सी ओ एच क्या है, फैटी एसिड है प्लस एल्कोहल क्या करता है, एस्टर का एक मॉलिक्यूल एस्टर का फॉर्मेशन करता है, जिसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के फैट्स के फॉर्मेशन में फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल्स एवं ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल जो है वो भाग लेता है, इसे ट्राइग्लिसरेडीहाइड या फैट्स कहते हैं। जैसे कि इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं, यहाँ पे ये तीन मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारा फैटी एसिड है और एक मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारा ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स ट्राइग्लिसरेडीहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड के तीन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के वन मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ट्राई पाल्मिटिन का वन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले लिपिड वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन एंड मिथाइल एल्कोहल में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनका अपेक्षित घनत्व जल की अपेक्षा कैसे होती है, कम होती है, ये जल से हल्के होते हैं और उस पर कैसे होते हैं, तैरते रहते हैं। साधारण ताप पर लिपिड लिक्विड अथवा सॉलिड के रूप में होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिसिस। अति तप्त वाष्प के द्वारा फैट का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होने पर ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, यह क्रिया लाइपेस एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। इसका केमिकल रिएक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है,
फिर देखते हैं सेकेंड सोपेनोफिकेशन। ठीक है, बेस द्वारा फैट्स का विघटन क्या कहलाता है? सोपेनोफिकेशन कहलाता है। फैट्स के हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप बने फैटी एसिड के साथ क्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है, फिर सॉप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से निर्मित फैट्स को अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। ये ऑयल्स में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स में निकिल की उपस्थिति में H2 गैस जो है वो प्रवाहित करने पर ये सैचुरेटेड फैट्स में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो वनस्पति तेल के द्वारा इसी विधि से वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में H2 गैस अधिक समय तक प्रवाहित करने पर ऑयल एवं फैट जो है वो ग्लिसरॉल व एसिड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं फैटी एसिड किसे कहते हैं। फैटी एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के संयुक्त कंपाउंड होते हैं जो कि एल्कोहल के साथ क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, फैटी एसिड सीधी चैन वाले हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स दो के गुणक में अथवा सम संख्या में होते हैं। ठीक है, इसे सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, CH3CH2NCOH या इसको RCOH के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर R जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो अधिकांश फैटी एसिड फैट्स वैक्सेस एवं फास्फोलिपिड जैसे लिपिड के संघटक के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं फैटी एसिड को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। ऐसे फैटी एसिड जिनकी मॉलिक्यूलर चैन के किसी भी कार्बन मॉलिक्यूल्स के मध्य डबल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात सभी कार्बन मॉलिक्यूल्स के मध्य केवल एक ही बॉन्ड पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रत्येक कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल्स और लास्ट कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा शेष सभी के साथ क्या होते हैं? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र देखते हैं। ये CnH2n+1COOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। फिर देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि ब्यूटेरिक एसिड, ये इसका सामान्य ब्यूटेरिक एसिड। फिर उसका फॉर्मूला देखते हैं, CH3CH2COOH। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं? मक्खन में। ठीक है, कैप्रोविक एसिड CH3CH2 4COOH, ये किस में होते हैं? नारियल व खजूर के तेल में। कैप्रेलिक एसिड CH3CH2 6COOH, नारियल तेल में। लॉरिक एसिड CH3CH2 10COOH, लॉरेल कर्नल तेल में। मिरिस्टिक एसिड CH3CH2 12COOH, नटमेग तेल में। पालमेटिक एसिड CH3CH2 14COOH, खजूर का तेल और जंतु वसा, ठीक है, एनिमल फैट्स में। स्टेरिक एसिड CH3CH2 16COOH, प्लांट व एनिमल फैट्स में। ठीक है, पालमेटिक एसिड व स्टेरिक एसिड सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले फैटी एसिड हैं। ठीक है, लंबी चेन वाले फैटी एसिड होते हैं ये। फिर देखते हैं नेक्स्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड जिनके कार्बन के मॉलिक्यूल्स के मध्य एक या अधिक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH CH2N
फिर COOH ग्रुप, ठीक है। ऐसे फैटी एसिड जिनमें दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ऑलिक एसिड में कार्बन के कुछ 18 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और कार्बन के 90 व 10 मॉलिक्यूल के मध्य एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अतः इसे 18:1:1 के द्वारा क्या किया जाता है, शो किया जाता है। उसी प्रकार से लिनोलिक एसिड में भी कार्बन मॉलिक्यूल्स की संख्या 16 होती है, इनमें दो डबल बॉन्ड कहाँ पे पाए जाते हैं, 9वें एवं 12वें कार्बन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसे 18:2:9:12 द्वारा क्या किया जाता है, शो किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल फॉर्मूला देखते हैं, क्रोटोनिक एसिड 4:1:2 CH3CA डबल बॉन्ड CHCOH क्रोटोनॉल, ठीक है। पाल्मियोटोलिक एसिड 16:1:9 CH3CH2 5CA डबल बॉन्ड CH2 7COH, ठीक है। किसमें, मिल्क व प्लांट फैट्स में। ऑलिक एसिड 18:1:9 CH3CH2 7CA डबल बॉन्ड CH2 7COH किसमें पाया जाता है, जैतून ऑयल में। लिनोलिक एसिड 18:2:9:12 CH3CH2 4CH double bond CH2 7COH, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, अलसी सोयाबीन एवं कपास में पाया जाता है, ठीक है।